फीका भाई जो हैं लाहौर में फेमस है, एक नाम है इनका लस्सी में, और आपको दिखा रहे हैं हम कि पेड़े वाली लस्सी कैसे बनती है जनाब। ये है जनाब पेड़ों वाली लस्सी। जी मैं YouTube फैमिली मैं पहुंच चुका हूं चाचा फीका लस्सी वाले, जो लाहौर में बहुत फेमस है। ये 1947 से कायम है और इनका नाम जो है रफीक भट्ट है, लेकिन ये मशहूर हैं अल मरूफ चाचा फीका लस्सी वाले के नाम से। जनाब ये बन रही है पेड़ों वाली लस्सी, जो पेड़े की लस्सी है, जो फीका भाई जो हैं लाहौर में फेमस है, एक नाम है इनका लस्सी में, और आपको दिखा रहे हैं हम कि पेड़े वाली लस्सी कैसे बनती है जनाब। क्या बात है, ये देखें ज़रा, ये आपको मक्खन नज़र आ रहा होगा, ये देखें क्या बात है। ये है जनाब पेड़ों वाली लस्सी। क्या बात है। फीके की लस्सी क्या बात है। हमजा भाई बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके कारोबार के लिए। जनाब मैं आया हूँ अल मरूफ चाचा फीका लस्सी, जो लाहौर में एक ब्रांड है, जिनकी लस्सी के बड़े चर्चे हैं लाहौर में। तो जनाब मुझे बताएं ये कब से है और ख़ास बात क्या है जनाब लस्सी के मशहूर होने की? सर ये सिंस 1947 जी पाकिस्तान कायम होने के साथ ही हमारी ये दुकान है। जी जी जी। और ख़ास बात ये कि सर नस्ल दर नस्ल यहाँ काम करें, हमारी चौथी नस्ल यहाँ काम कर रही। वेरी नाइस। इससे पहले अमृतसर में भी हमारा यही काम था, वहाँ भी हमारी एक नस्ल ने काम किया। जी 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 जी। और फेमस हम इसलिए है कि हम बनाते हैं पेड़ों की लस्सी। क्या बात है। ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है हमारा, जो दूध और खोए से तैयार करते हैं। जी 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 जी। इसमें दही का इस्तेमाल नहीं होता, अगर होता भी है तो बराए नाम। ये एक डिफरेंट चीज़ है, पेड़ों का मक्खन तैयार किया जाता है, मक्खन खोई वाली सदाई होती है, नीचे ऊपर एक पेड़ की टॉपिंग में आती है। जी जी जी। तो आप अभी देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये डिफरेंट क्यों है, ये लोग दूर दूर से क्यों पीने आते हैं, क्योंकि दही की लस्सी तो आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह से मिलेगी। पेड़ों की लस्सी सिर्फ आपको चाचा फीका ही प्रोवाइड। क्या बात है, चाचा फीका बड़ा फेमस है जनाब, और इनकी लस्सी की मैंने बड़ी मशहूरी सुनी और मैं आपके पास आ गया हूँ। फीके की लस्सी का टेस्ट कैसा है जनाब? बहुत सारी दुआएं आपके लिए जनाब, देते रहे जनाब, और आपका कारोबार ऐसे ही चलता रहे जनाब। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब आप इनका रेट भी बता दीजिए जरा मेरे नाज़रीन को। इस वक्त महंगाई को देखते हुए दही की लस्सी 110 रुपये गिलास है और पेड़ों की लस्सी हम 220 रुपये गिलास दे, डबल प्राइस। जी जी जी। दही की लस्सी दही दूध की लस्सी होती है और पेड़ों की लस्सी खोए और दूध में तैयार की जाती है, वो मक्खन सदाई वाली लस्सी होती है। डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है। ठीक हो गया। और प्राइस जो है जी इस महंगाई के दौर में भी आपने कम रखी है? फिलहाल कोशिश तो ये करते हैं कि हर आदमी की रेंज में है, अमीर के भी और गरीब में। चले चले सर, बहुत सारी दुआएं जनाब, बहुत सारी दुआएं। जी माय यूट्यूब फैमिली, चाचा फीका जो लाहौर में एक ब्रांड है, और मैं चाहता था कि मैं आऊं और रिव्यू दूं आप लोगों को कि चाचा फीके की लस्सी में क्या ख़ास बात है जो बहुत फेमस है, और मैं आपको दिखाऊं कि फेमस इसलिए है कि ये आपको मक्खन नज़र आ रहा होगा, ये आपको पेड़ा नज़र आ रहा होगा जो खोए से बना है जनाब, ये ख़ास बात है चाचा फीके की लस्सी में। और मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। क्या बात है,
जी मैं YouTube फैमिली, अगर आपने चाचा फीके लस्सी वाले के पास आना है तो ये रेलवे रोड ग्वाल मंडी के पास है, तो आएँ। ज़िंदगी में बहुत टेंशनें हैं, बहुत परेशानी हैं, और कूल हो जाएं, मज़ा करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो इजाज़त दें अपने भाई को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।